2000 रुपए। ये 2000 का नोट एकाएक आया कि बंद हो गया। कल कैबिनेट की बैठक हुई पीएम की, कहीं कोई भनक नहीं आई। आज प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकले, आरबीआई ने रिलीज प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि 2000 के नोटबंदी छपाई बंद पहले से है, अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा, आज रात के बाद से ये अब रद्दी हो जाएगा, लेकिन 30 सितंबर लंबा समय है, तब तक वक्त है। मुझे जो शुरुआत में समझ आ रहा है सर कि अभी हाल के दिनों में जितनी नोटबंदी हुई है और जितनी छापेमारी हुई है, चाहे वो बंगाल में आप देख लीजिए, चाहे वो यूपी में देख लीजिए, अलग अलग जगहों पे छापेमारी हुई है लालू यादव के यहाँ, या फिर इन बड़े बड़े एजेंडावादों के यहाँ छापेमारी हुई, तो पाया गया कि गुलाबी नोट, 2000 के नोट इतनी बड़े पैमाने पर मिले कि हम सब चौंक गए। आम आदमी के पास तो है ही नहीं, मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा, एक भी है, कहा नहीं। मुझे उम्मीद थी अपने माता जी से, क्योंकि पिछली बार मेरे माता जी को कहीं ना कहीं इधर उधर रखी हुई थी, तो जब खत्म हो गया ड्यूरेशन तब उन्हें 500 के कुछ नोट मिले थे, तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा, उन्होंने पूरा सर्च किया, कहा एक भी नहीं है। कुछ साथियों के पास है, तो हमने तो मजाक भी किया कि भाई ब्राह्मण को दान कर दो, यहाँ पर जो दो लोग होते हैं उन्हीं गरीब ब्राह्मणों को दान कर दो, इस तरह लोगों के पास तो आम आदमी के पास है नहीं, तो किसके पास क्यों बेचैनी है। मैं देख रहा था एक टेलीविजन चैनल, हरीश रावत से पूछा, तो हरीश रावत ने कहा कि कर्नाटक चुनाव से डर गए हैं इसीलिए। सर, तीन राज्यों में चुनाव होना है और तीनों राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये तिलमिलाहट किस बात को लेकर के, कांग्रेस का पूरा खैराती गैंग और पेट पे लात खाया हुआ गैंग भी परेशान हो गया है सर, इसके मायने कांग्रेस का तो देखिए हर घोटाले से मामला उसका चुनाव से जुड़ा होता है, और आज के घटनाक्रम ने उसमें भी वो चुनाव ही जुड़ा हुआ है, कहीं अभी उस पर बात होगी हम लोग की कि। मगर मनीष जी, आज जो 2000 का नोट बंद किया गया है, तो 2016 में 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उसकी समझिए वो पूर्णता को अब पहुंची है। जो पहली नोटबंदी हुई थी उसमें 50 दिन जो है आम आदमी को, गरीब आदमी को, सबको पीड़ा और परेशानी झेलनी पड़ी थी। यह है कि एक एक दो दो दिन की थी, लेकिन 50 दिन तक का वो दौर चला और वो उसमें आम आदमी पर, उसमें देखिए वो नोटबंदी पूरी तरह से सफल रही थी, यहाँ नहीं पाकिस्तान तक में नकली नोटों के सौदागरों ने आत्महत्या कर ली थी। उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, मनीष जी ने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है कि वो पाकिस्तान जब तबाह हो रहा है तो एक बहुत बड़ा वर्ग ये मान रहा है, और मैं भी उससे सहमत हूँ कि पाकिस्तान की उस आर्थिक तबाही में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण भारत की नोटबंदी भी है। और यहीं पे लोग नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के भी जो एनालिसिस करते हैं कुछ लोग, वो दबी जबान से कहते हैं, क्योंकि उस देश की कौन खुलकर बुराई कर सकता है, लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं कि एक वो बहुत बड़ा नेटवर्क टूटा, बहुत बड़ा नेक्सस टूटा, तो आतंक का नेक्सस टूटा, और ये जो नकली नोट का कारोबार था जो हमको हमारे लिए वो दीमक की तरह चाट रहा था, और वो फल फूल रहे थे। और ये जो कांग्रेसी आके अलापने लगते हैं राग कि कहाँ कहाँ पे आतंक पे रोक लग गई तो इनकी आंखें फूट गई हैं लग रहा है, या इनको पढ़ते नहीं देखते सुनते नहीं ये खबरें कि हम लोग क्या मानी जी, हर आदमी जो जरा सा भी ठीक है वो ये कहता है, इस बात को स्वीकारता है कि पिछले 9 साल से भारत में कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, एक आप कश्मीर को छोड़ दीजिए, लेकिन इन लोगों को नहीं, तो आतंकवाद को तो एक तरह से नेस्तनाबूत कर दिया। और बाकी जो भ्रष्टाचारी बचे खुचे नहीं, जो शातिर बचे हुए थे, जो अपने आप को सोच रहे थे कि किसी तरह से हम बच के निकल आए, अब की मरीज जी इसमें निपट गए वो सब पूरी तरह से। नरेंद्र मोदी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक वास्तव में ब्लैक मनी पर है, और वही अली बात जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि बायां हाथ दिखाते दिखाते दाहिने हाथ से झापड़ मार देते हैं, कि इन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि कल कैबिनेट मीटिंग हुई है, आज प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं और शाम को ये आरबीआई इस तरह की घोषणा कर देगा। इसका जरा इम्पैक्ट समझिए मनीष जी, जो दर्शक एटीएम लगातार इस्तेमाल करते रहते होंगे कि पिछले करीब करीब साल डेढ़ साल से, डेढ़ दो साल से तो मैं बिल्कुल एकदम क्लियर हूँ कि एटीएम से 2000 के नोट निकलना बंद हो गए, बाजार से नोट गायब थे, आपको कहीं दुकानदार के यहाँ भी कोई आपको 2000 का नोट देखता गिनता हुआ नहीं मिलता होगा, ना आम आदमी, जैसे आपने कहा वही मनीष जी मेरे पास है, एक भी 2000 का नोट नहीं है, या मेरे अपने मित्रों से बात की कहने 2000 का नोट को कहने, वो कहीं चलता ही नहीं है, चलन में ही नहीं है,
लेकिन लेकिन जो आरबीआई की आज विज्ञप्ति आई है, वो आई है कि 3,62,000 करोड़ के नोट जो है 2000 के हैं। 3,62,000 करोड़ के नोट का मतलब आप समझिए 181 करोड़, 101, 100, यानी करीब 2.25 अरब नोट सर्कुलेशन में है, लेकिन बाजार में नहीं दिख रहा है। तो है कहाँ मनीष जी, वो है कहाँ? वो जाहिर सी बात है कि वो तिजोरियों में है, कहे वो काले धन वालों के, वो वहीं पर हवाला का, हवाला ऑपरेटर जो है सबसे खास बात मनीष जी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं खासकर हवाला का, उसका मैं एक कहीं साक्षी रहा हूँ मुंबई में एक बार, तो मुझे बात, तो वो उनके वो बहुत काम की चीज थी, ये वहां पर चल रहे थे नोट। और अब के देखिए इसमें सब ऐसा नहीं कि 181 करोड़ सब पकड़ में आ जाएंगे, पकड़ में नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो जो ब्लैक थे वो अब वाइट हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, जवाब उनको देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और इसमें कुछ गरीबों का भी भला होगा मुनीष जी, फिर वो काम शुरू होगा कि 20% 30% देखे, क्योंकि उनकी तो औकात नहीं है, जैसे पिछली बार की नोटबंदी में उन्होंने किया था कि 1 लाख तुम जमा करा दो, 2 लाख तुम जमा करा दो, लेकिन उनको सावधान करा दूं, जो आप भी कह दीजिएगा हाँ जो कि अब की पूरी तैयारी से है सरकार, अब की जो आदमी 200 300 400 रुपए भी नहीं जमा करता था अपने अकाउंट में, केवल वो अपने सब्सिडी के पैसे निकालता था, उसने अगर 1,50,000 रुपए जमा करा दिए तो उसको ऊपर लठ बजेगा कि कहाँ से बढ़ेगा लाए, कि ये कहाँ से लाए, अब की पूरी तैयारी बिल्कुल। तो से, स्टोर के क्योंकि माध्यम से आप और हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि पिछली बार पूरा देश प्रभावित था। तो यदि मान लीजिए कि हमने किसी के नाम का किसी का पैसा किसी ने ऐसे में ऐसे हम लोगों ने इसका पुरजोर, मेरे कोई जानने वाले थे, मैंने कहा ये काम करना मत, लेकिन पिछली बार अपने स्टाफ से मजदूरों से लोगों ने नौकरी की धमकी देकर के काम कराया था। अब की बार यदि काम किया तो मजदूरों के माध्यम से यदि मान लीजिए कि आपने अपने मजदूर से 50 2,000 के नोट 100 2,000 के नोट जमा करवा दिए तो आपकी भी बर्बादी है उस मजदूर की। इसीलिए चेतावनी है कि कोई यदि आपसे कहे उस लालच में बिल्कुल मत आइएगा, अब की बार लठ बजरना बहुत जबरदस्त है। मैंने रमेश पटेल जी का है तो बता दूं कि 3,19,000 करोड़ के नोट कहाँ, वो बैंक में ही है, वो आरबीआई के पास, जो बैंक में वो एक बैंक वाले मित्र हैं उनसे पता, मैंने पूछा था तो कहे जो हम लोग वापस भेज देते हैं वो वापस वहाँ से, आरबीआई या बैंकों को 2,000 के नोट नहीं भेज रहा पिछले 1.5-2 साल से, तो ये बहुत 2017 से सर छपाई नहीं है, 2,000 के नोट 2017 से हाँ छपे ही नहीं है। हाँ छपे नहीं, 18 से छाप ही नहीं रहे 5 साल से, और जो पांच जो भी साल जमा जो जमा हो रहा है वो वापस नहीं आ रहा, तो वो और कहीं नहीं गए, वो वहीं पे आरबीआई में, जो अब जो इस समय 3.5 लाख करोड़ के नोट थे वो कहाँ है, वो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैक मनी में जिन्होंने इकट्ठा कर रखा है उनके लिए खलबली मचे कि आपको कल से आपको पता चलने लगेगा, वो हम लोग पत्रकार है थोड़ा ज्यादा जानेंगे, खबरें मिलने लगेगी कि कहाँ कहाँ कैसी परेशानियां हो रही हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक है, और सबसे खास बात है मनीष जी कि अब क्या कहेगा राहुल गांधी, है राहुल गांधी ही की चिंता तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जो सही कहा कि अभी तो कर्नाटक में माल आना शुरू होना था, कर्नाटक में अब माल आना शुरू होगा तो बाकी आगे वाले चुनाव के लिए खर्चा चाहिए, तो इन लोगों के ये पिछली बार भी सबसे ज्यादा चीखे चिल्लाए थे, लेकिन ये गजब का काम हुआ है। और वास्तव में ये ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक, ये वास्तविक सर्जिकल स्ट्राइक है, जैसे कहते हैं ना पिन पॉइंटेड, कि इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ना, गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ गरीबों का भला हो जाएगा, मैंने कहा ना कि नोट वोट बदलवाने कुछ परसेंटेज पे करेंगे तो वो पा जाएंगे पैसे, बाकी ये बहुत बहुत बढ़िया फैसला, बहुत बढ़िया फैसला है। निश्चित रूप से एक बात इशारा आपने किया था कि पाकिस्तान का अर्थतंत्र नोटबंदी से टूटा था, अब बाकी का कसर इस 2000 से मनी लॉन्ड्रिंग का टेरर फंडिंग का एकदम से साफ हो जाएगा। मैं सुन रहा था हरीश रावत का, वो कह रहे हैं कि ब्लैक मनी का क्या असर हो गया, ये हमारे ऊपर प्रहार है। मतलब कांग्रेस खुद ही मान रही है, हरीश रावत ने रिपब्लिक चैनल पे मुझे लगता है शायद थे उनसे जोड़ा और तुरंत कहा कि हमारे ऊपर कर्नाटक चुनाव से परेशान होकर के फैसला लिया गया है। मतलब कांग्रेस मानती है, ये देखा होगा आपने नहीं डीके शिव कुमार का कि बहुत सारा पैसा बट रहा था और ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे वो, तो समझ में आई। तो मनीष जी कांग्रेस को परेशानी आप समझ लीजिए किस कदर हो रही होगी, किस कदर हो रही होगी, मुझे आप पुराना इतिहास बता दूं कि कांग्रेस को बड़े नोट क्यों पसंद है, और आप सुनेंगे तो ताजुब करेंगे दर्शक कि अब जब 1,000 के बंद हुए थे तब इनको परेशानी हुई, अब जब नरेंद्र मोदी ने 2,000 के बंद किए तब इनको परेशानी हुई, इनको एक बार और परेशानी हुई थी आज से करीब करीब 34 साल पहले, ने 44 साल पहले, तो 23 है, 44 साल पहले 79 में जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो
तब उन्होंने नोटबंदी की थी मनीष जी, और जरा गौर करिए कि मेरे ख्याल से उस समय सोना जो है वो 3-4, 5-4, 500 रुपए तोला हुआ करता था, आज 61,000, 60,000 रुपए। और उस समय कांग्रेस सरकार मालूम कितने के नोट चलाती थी, 10,000 का नोट चलाती थी, 10,000, दस 5,000 और दस 10,000। हजार 10,000, 5,000, 1,000 का नोट। यानी जिस समय सरकारी क्लर्क की तनख्वाह होती थी 400-500 रुपए, तब कांग्रेस सरकार 10,000 का नोट चलाती, किसके लिए चलाती थी वो, किसके लिए चलाती थी, जरा ये कभी जवाब देंगे इसका? तो ये इनको तो ये हमेशा किस तरह से काले धन को संरक्षण देते हैं, इससे बेहतरीन उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि आज से 44 साल पहले 10,000 का नोट, यानी आम आदमी ने, उस गरीब आदमी तो उसकी शक्ल नहीं देखता होगा, वो जाहिर सी बात है काला धन वाले या भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट स्मगलर, ठीक, इस टाइप के लोग, उन्हीं के काम का था उनको एक तरह से काला धन सुरक्षित रखने का एक अवसर दे रही थी कांग्रेस, कि उस समय अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो सरकारी क्लर्क हुआ करता था बैंकों में या सरकारी विभागों में क्लास 3 का, उसकी तनख्वाह 600-700 रुपए होती थी। तो आज के हिसाब से नरेंद्र मोदी, ये कांग्रेसी बड़े खुश हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी 1 लाख रुपए का कोई नोट चला दे, तो ये बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, तब ये कतई उसकी यो नहीं करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए मनीष जी, कि किसी भी विकसित देश में जो विकसित अर्थव्यवस्था है, वहां पर 100 से 100 रुपए से, मतलब उनकी करेंसी में 100 से ज्यादा का नोट नहीं चलता। अमेरिका में भी $100 से बड़ा नोट नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बना रखा था गोरख धंधा, अब उस गोरख धंधे पे प्रहार हो रहा। और दर्शकों को एक बात और बता दूं कि 24 में जरा जिता के लाइए नरेंद्र मोदी को, वो अंतिम प्रहार होगा, कि ये निश्चित मानिए कि 24 से 29 आते आते 500 का नोट भी गायब मिलेगा आपको मार्केट क्या से, इसी तरीके से। और वो 100 के नोट पे ही भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी, डिजिटल चलेगी, और बाकी आपको जरूरत हो तो आप 100 का नोट रखिए बाकी। और भारत में करप्शन, भारत में ब्लैक मनी का खत्म करने का एक वही तरीका है, और उसमें क्योंकि समय लगेगा, तो अब ये एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने साफ कर दिया है। और 24 के चुनाव के बाद अगले जो 5 साल होंगे उसमें 500 के नोट को भी विदाई दे दी जाएगी। और सबसे खास बात है कि पूरी तैयारी हो चुकी है, कि मनीष जी अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 90 मतलब 93-94% लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आदमी लेस है, उसके लिए अब वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और इसी तरह चरणबद्ध तरीके से 500 के नोट भी गायब होंगे, लेकिन वो अगले होंगे, और लेकिन उसका जो फायदा होगा, जरा सोचिए मनीष जी, घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, कमीशनबाजी है, ये कितनी कठिन हो जाएगी जब केवल 100 से बड़ा नोट नहीं होगा, या 100 या 200 से बड़ा नोट नहीं होगा, तो फिर बोरों वोरों में लेके जाना पड़ेगा इन भ्रष्टाचारियों को, और कहीं गोदाम वोदाम बनवाना पड़ेगा पैसा रखने के लिए। तो वो इनको तकनीकी रूप से इनको घुटनों पर ला देंगे, उसकी ये तैयारी है। और आज जो 10-2 हजार के नोट के बंद हुआ है, ये उसका समझिए पहला चरण है। बिल्कुल, और ये साफ दिख रहा है, जो इशारा हो रहा है कि बहुत दिनों से मांग हो रही कि बड़े नोट को चलन में बंद कर दीजिए और ऑन रिकॉर्ड सब कुछ सरकार के पास होगा तो बहुत कुछ आसान होगा। सरकार के तंत्र और सिस्टम बहुत मजबूत है, इन सब पे जरूरी है कि अर्थतंत्र जो है इस देश का मजबूत किया जाए।